अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से दुबई आना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए, तो दो मुख्तलिफ एजेंसीज़ में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और दो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप दोनों में कंटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। एक जो एजेंसी है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी है, 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, कम ज़्यादा है तब भी आप उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंटेक्ट नंबर भी दूँगा। और आपका जो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से जो है वो 37 साल, 21 to 37 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। और उसके अलावा जो मैट्रिक पास आप होने चाहिए। और ये जो वैकेंसी है ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए है। ये लोग डीपी वर्ल्ड बोल रहे हैं, पर यह कि वर्ल्ड सिक्योरिटी की जॉब है। ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और आपकी सैलरी होती है 2407 अगर आप 28 दिन काम करते हैं। तो अगर आप 26 दिन काम करते हैं तो 2262 या इस तरह सैलरी आती है, और 28 दिन काम करेंगे तो 2407 दिरहम आपकी सैलरी आती है। इसकी सारी जो डिटेल्स है, कंटेक्ट नंबर्स, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ये सेंट्रामेंटर्स कोई एजेंसी है, उसमें इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और इनके जो है वो 28 और 29 दो डेज़ में जो है वो इंटरव्यूज़ हैं, 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर को। और दोनों जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आप उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी जो कंपनीज़ हैं वो हायरिंग कर रही हैं। और जो दूसरी है वो ईलाइट मैनपावर में भी वैकेंसीज चल रही हैं, उनकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईलाइट मैनपावर भी एक अच्छी एजेंसी है, काफ़ी लोग आते हैं इंडिया से दुबई के लिए सिक्योरिटी गार्ड में, तो इस एजेंसी में भी इंटरव्यूज़ चलेंगे। इनकी जो डेट है वो 30 तारीख है, 30th of अक्टूबर। और आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ जो लोग इंडिया में हैं और यहाँ पे भी हैं, इंडिया से हैं। इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।